हेलो फ्रेंड्स एंड जय माता जी टू एवरीवन। आप सबके भी दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी होगी। मैंने भी स्टार्ट की है, मतलब काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बहुत कर रही थी। आज कृतानुकृति को छुट्टी है और कल उनका ओरल है, जनरल नॉलेज की एग्ज़ाम है, तो उनको आता है तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँ। तो मैं सुबह से क्लीनिंग ही कर रही थी तो सोचा साथ में थोड़ा बहुत शूट भी कर लेती हूँ। तो राकेश तो चले गए हैं काम पे और मैं कृतानुकृति एप्पल खा रहे हैं। मुझे भी भूख लगी थी और कृतानुकृति को भी भूख लगी थी, तो हम तीनों एप्पल खा रहे हैं और कृतानुकृति साथ में कार्टून देख रहे हैं। राकेश ने कहा कि वो दूध दे के जाएंगे, बट वो बिना दूध दिए ही ऑफिस चले गए, तो मुझे आना पड़ा दूध लेने के लिए। तो मैं कृतांश के साथ आई हूँ, कृतिक नहीं आया, तो कृतिक घर पे है और मैं और कृतांश दूध लेने के लिए आए, और साथ में मुझे और भी सामान जो चाहिए था वो मैंने ले लिया। और घर में पूरा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और दूध लेने के लिए अगर मैं लेट जाती तो अमूल गोल्ड मुझे मिलता नहीं, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न है तो बहुत ही भीड़ रहती है डीमार्ट में, तो अमूल गोल्ड जल्दी खाली हो जाता है क्योंकि वो लिमिटेड स्टॉक में आता है। तो मैं अमूल गोल्ड के लिए मुझे जल्दी जाना पड़ता है। और ये पैकेट्स है वो मैं कृतानुकृति को स्कूल में छोड़ने जाती हूँ, तो पेरेंट्स ने मंगवाए थे, मैं थोड़े लेके गई थी लेकिन वापस वो लोग ने सबने मंगवाए। ये डीमार्ट से मैं लाती हूँ, 10 रुपीज़ के आता है, मतलब 20 रुपीज़ MRP है और बाय वन गेट वन में 10 रुपीज़ में पड़ता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। सिंक की पाइप जो रहती है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, मैं रेगुलर ये यूज़ करती हूँ, तो सबने मेरे से मंगवाए थे तभी 5 लेके आई, पहले भी मैं थोड़े लेके गई थी। और ये मैं छोटे पैक ही लाती हूँ, ये काफ़ी दिन से आउट ऑफ स्टॉक थे तो ये आज आए, तो मैंने कितने 4 पैक ले लिए, क्योंकि बड़ा पैक लाते तो क्या होता है ये सिर्फ कृतांश ही खाता है, मतलब हम लोग राकेश कभी कभार खा लेते हैं, कृतिक ये बिस्किट नहीं खाता है। तो एक पैकेट तोड़ते हैं बड़ा पैकेट तो फिर हवा लग जाती है, तो फिर मैं छोटे छोटे पैक ही प्रीफर करती हूँ। और मेरा घर थोड़ा बिखरा पड़ा है क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी है। और हाँ, ये उनको पसंद आए थे ड्यूक्स के हैं निबल्स, तो आज ये आए, मतलब आज ये आए, ये आउट ऑफ स्टॉक थे, दूसरे थे और ऑनियन फ्लेवर के कुछ तो थे, बट कृतानुकृति को ये वाले पसंद है तो मैं ये वाले लेके आई। ये भी बाय वन गेट वन में है और टेस्ट में बहुत ही अच्छे है। जब मैं नानी के गए था मैं ऑनियन कैसे खाई थी, ग्रीन कलर ना नानी ना रहता। और 2 पैक में रिफाइंड ऑयल के लाई, मुझे पीनट ऑयल भी लाना है, बट सामान थोड़ा इतना हो गया था तो मैंने सोचा अभी दूसरी बार जाऊंगी तो वो लेके आऊंगी। ये 1 पैकेट था और फ्राइंग के लिए और लगेगा, तो मैं और 2 पैक लेके आई। ये जो है वो हमें कल गिफ्ट में मिला था, कि वो डब्बे छोटा उससे थोड़ा बड़ा और ये सबसे बड़ा डब्बा जैसा दिखते है, पर यहाँ पे देखे और बाय बाय ब्लू कलर का बाय बाय। दूध की थैली को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी दूध को मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। और कृतानुकृति को खाने हैं खमन, तो मैं फटाफट में खमन भी एक साइड बना दूँगी और फिर मैं उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousand, go on pizza. They just don't belong.
my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple toasted, cold and bitter. It's a fruit and you know that. Pineapple toasted, cold and bitter. कृति के कपड़े मैंने मॉर्निंग से निकाले हुए थे डेली वेयर के, उसको अरेंज करना था। कृतिक को मैंने ये काम दिया था, उसने किया, लेकिन उसने इतना ठीक से नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने उनको कहा था कि आपको जो कपड़े नहीं चाहिए वो उसे अलग निकाल के रख दो, तो उसने वो काम तो किया कि उसने अलग निकाल के रख दिए। अभी वो कपड़े जो है वो मैं किसी और को दे दूँगी। और कृतांश कृति के डेली वेयर के कपड़े मैं इसी बास्केट में रखती हूँ। वो दोनों सारा दिन बस इसी में क्या पता क्या करते रहते हैं, पूरा बिखेर देते हैं मेरा बास्केट ये। कल उनकी एग्जाम है जनरल नॉलेज की, तो जो टिक मार्क करवाया है वही रीड करके जाना है। तो मैं बस वही टिक मार्क जो है वो दोनों को ठीक से करके दे रही हूँ, ताकि दोनों बैठ के रीडिंग करें और मैं मेरा क्लिनिक का काम करूँ। कृतांश कृति को तो वैसे सारे आंसर आ रहे हैं, लेकिन जिसमें फ्रीडम फाइटर के नाम लेने हैं उसमें वो दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं। और कृतांश तो कोई भी क्वेश्चन पूछो जिनका नाम का आंसर फ्रीडम फाइटर से है, वो बस सुभाष चंद्र बोस का ही नाम सब में ले रहा है। पता नहीं उसको क्या है, सुभाष चंद्र बोस का सिर्फ एक ही आंसर है और वो सभी क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस ही बोल रहा है। अब देखिए मैं उल्टा शर्ट पहना बहुत अच्छा है। उल्टा टी शर्ट क्यों पहना है? कल जीके का एग्जाम है तो रीडिंग करना फिर जीके के जो क्वेश्चन आंसर सर्कल किए ना उसे बाय एक्ट करना है। नेम याद रखने हैं, जब जो भी फ्रीडम फाइटर है ना उसके नेम याद रखने हैं। तो मुझे हॉल की सफाई करनी है, तो कृतांश कृति के बैग जो है वो मैं बेडरूम में रख दूंगी, और यहाँ से काफ़ी कुछ सामान जो है वो मैं बेडरूम में रख दूंगी ताकि उस पर डस्ट ना लगे। और ये कर्टन है मुझे वॉश करने हैं, तो मैं उसे निकाल रही हूँ। वॉश करके मैं रख दूंगी, फिर मैं पूरा घर क्लीनिंग होने के बाद उसे वापस लगा लूँगी। आज रात को मैं भिगा दूंगी, फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह मैं मशीन में डाल दूंगी, तो अच्छे से वॉश हो जाएंगे। We'll be right back.
अभी मैं ऊपर सीलिंग की क्लीनिंग कर रही हूँ। अगर मकड़ी के जाले रहेंगे तो साफ हो जाएंगे। वैसे तो मैं रेगुलर साफ करती हूँ तो मकड़ी के जाले इतने नहीं रहते मेरे घर पे, लेकिन फिर भी दिवाली है तो क्लीनिंग तो करना ही है। मुझे भी फ़ैन भी साफ़ करना है तो मैं पहले झाड़ू से ही उसके डस्ट निकाल रही हूँ, फिर मैं गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। क्या बनाया, क्या खेल रहे हो? फ्लावर मैं फ्लावर बनाया और अभी तक टी शर्ट उल्टा ही है। कृतिक क्या बना रहे हो? मैंने कौन सा? ये वाला बग बनाया था। बग बनाया था, ओके ठीक है। तुम दोनों इसी रूम में खेलो, मैं बाहर क्लीनिंग करती हूँ, ओके ठीक है। और फाइटिंग मत करना, ठीक है। और फिर वो अच्छे से पैक कर देना, अदरवाइज वो सूख जाएगी अकेले, है ना? हाँ, वहाँ भी सुखाएगा। सुखाएगा बे? हाँ। कौन से कलर का? रेड और ब्राउन। मेरे बाकी सब ब्राउन तो काफी लूज था, वो कैसे सूख गया? वो तो बहुत ही ये था, लूज था। नाखून में नेल्स में, ठीक है बाद में मैं करके देती हूँ, अभी मेरे हाथ भी खराब है, ओके ठीक है। तुम खेलो, मैं बाहर क्लीनिंग करती हूँ। और ये स्लाइडिंग विंडो है वो दो तीन दिन से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वन ग्लास जो इसका है वो अच्छे से मूव नहीं हो रहा है, तो बस मैं उसे ठीक करने के लिए बाहर बालकनी में चली गई। अच्छे से मैंने सोचा थोड़ा हटा के उसको मैं वैक्यूम कर देती हूँ, लेकिन मैं लॉक ही हो गई अंदर बालकनी के बाहर। अच्छा हुआ कृतांश कृतिक थे, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। आज कृतांश कृतिक घर पर नहीं रहते तो मैं तो बुरी तरह से फंस जाती थी। अभी कृतांश कृतिक बाहर आ गए हैं तो वो मुझे अच्छे से क्लीनिंग नहीं करने देंगे। उनको भी वैक्यूम क्लीनर चलाना है लेकिन मैं मना कर रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है। अभी दोनों मुझे परेशान करेंगे और अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं करने देंगे। छोटी घर
और ये डोरी मैंने मॉनसून में बांधी थी। रात को सोते टाइम हम लोग ये डोरी को डोर के साथ बांध देते थे और ऊपर लाइट वेट क्लोथ जो रहते थे ऊपर अरेंज कर देते थे ताकि मॉर्निंग तक सूख जाते थे। अब ये डोरी को भी मैं वॉश करके सुखा के फिर रख दूँगी, अगले मॉनसून में मुझे काम आएगी। बस मैं पेंटिंग ही क्लीन कर रही थी और मुझे कहीं पे बाहर जाने के लिए बुलाया गया, तो मैंने मेरा काम सब जो है वो निपटा के फिर बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। यहीं पे बिल्डिंग में ही कहीं पे जाना था तो वो बुलाने के लिए आए थे आंटी जिनके घर पे जाना था, तो मैंने फटाफट से सब क्लीन किया, झाड़ू पोछा एंड कपड़े वॉश किए, तीनों का बाथ भी करना बाकी था तो वो सब निपटा के फिर हम उनके घर पे गए थे। मेरे फादर इन लोग की फ़ोटो और चाकड़ा को भी मैं क्लीन कर लूँगी। चाकड़ा को तो वैसे भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही क्लीन किया था, मैंने वीडियो शूट की थी तभी मैंने उसको निकाला था, लेकिन फिर भी उसे क्लीन कर लूँगी। और बाथरूम के बाहर जो मैंने कर्टन निकाले वो है, वो मैं कल वॉश करूँगी, आज वॉश नहीं करूँगी। आज मैंने दूसरे कपड़े भिगोए हैं उसे मुझे वॉश करना है, कल मॉर्निंग में मैं कर्टन को वॉश करूँगी। ये प्लास्टिक को भी मैं फोल्ड कर लूँगी, अभी मुझे दूसरे रूम भी क्लीन करने हैं तो उसमें भी सब सामान कवर करने के लिए मुझे काम आएगा। तो वैक्यूम क्लीनर के जो अटैचमेंट है वो उसे मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर, तो वैसे मुझे क्लीनिंग और भी करनी थी बट अभी मैं क्लीनिंग बंद कर रही हूँ और बाथ लेके बाकी के कपड़े जो मैंने भिगोए थे उसे वॉश करके हम लोग चले जाएंगे। वैक्यूम क्लीनर को भी मैं बाहर रूम में ही रखूँगी क्योंकि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा कृतांश श्रुति की एग्ज़ाम पूरी होगी तो मैं क्लीनिंग वापस चालू करूँगी। कृतांश श्रुति को मैंने बात करवा दिया और मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए और मेरा बात करना बाकी है, लेकिन मैं सबसे पहले पोछा लगा लूँगी पूरे घर में क्योंकि डस्ट उड़ी हुई है पूरे घर में, देन फिर मैं बात के लिए चली जाऊँगी। तो आपकी दिवाली क्लीनिंग भी कैसी हो रही है बच्चों के साथ प्लीज़ मुझे भी शेयर करना, और आप किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं अगर बच्चे परेशान करते हैं तो वो भी मुझे बताना, शायद मुझे भी हेल्पफुल रहे। और लास्ट में मैं जहाँ पे गई थी उसकी थोड़ी सी क्लिप जो मैंने शूट की थी वो लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि आगे मैं कंटिन्यू करूँगी तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स। उधर एक डेढ़ चैनल तो आए बैठे।